अस्सलाम वालेकुम आदाब प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बिना गैस जलाए, बिना घी के ये रेसिपी मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजू रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इलायची का दाना लिया है। 3 इलायची, हरी इलायची का दाना मैंने यहाँ पे लिया है और 10 मैंने यहाँ पे काजू लिए। इसको शामिल करेंगे मिक्सी जार में। 1 कटोरी शक्कर शामिल करेंगे। 1 कटोरी शक्कर शामिल करेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखिए, शक्कर और काजू को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इस तरह से बारीक से हमें पीसना है। इसको एक प्लेट में शामिल कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी नारियल का बूरा, यानी कि नारियल का मुरादा, यानी नारियल का पाउडर। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किराने की दुकान पे। इसको शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। और यहाँ पे मैंने देखें दूध लिया है। दूध को जिस तरह हम घर में बॉईल करके रख देते हैं, दूध ठंडा हो जाता है, बस वैसा ही दूध मैंने लिया है, कच्चा दूध नहीं है। बिना घी, बिना गैस जलाए ये मिठाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाना। पहले सब अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से दूध शामिल करेंगे चम्मच से। और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। एक साथ में हमें दूध इसमें नहीं शामिल करना है, बस थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसे मिक्स करना है। अब देख रहे हैं खोया के शेप में आगे बिल्कुल खोया की तरह दिख रहा है, यानी मावा की तरह। बस हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ड्राई है, लेकिन इतने ही दूध में डो बनके तैयार होगी। और हमें थोड़ा थोड़ा ही दूध इसमें शामिल करना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं शामिल करना है इसमें। ये देखें डो हमारी बनके तैयार हो चुकी है और इतना सा दूध इसमें बच भी गया है। अब इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसका रोल बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे।
देखें सारी मिठाई मैंने इस तरह से बना के तैयार कर ली है। शामिल करेंगे पिस्ता कटा हुआ। आप इसे दिवाली पे रक्षाबंधन जैसा आ रहा है तो उस पर आप इस तरह की मिठाई घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है और हमें ना गैस जलाने की ज़रूरत है ना घी की। 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बनके तैयार होती है। केसर के धागे लगाएंगे इसमें इसके डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही क्रीमी हमारी ये मिठाई बनके तैयार होती है। तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इस रक्षाबंधन आप जरूर ट्राई करें। और खाने पे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैंने इसे घर में बनाया है। बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेस्ट है बल्कि उससे भी अच्छा। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है और आधा किलो के लगभग ये मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे अल्लाह की शान उसकी नियामतें रहमतें बरकतें हमारे हाथों में और हमारे खानों में उतार दी। मेरी रेसिपीज अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह सबको खुश रखे आबाद रखे हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह सबको अपने रहमत के साए में रखे। सबके जायज दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।